नमस्कार। आज सुबह सुबह मुझे दिल्ली के नौजवानों के साथ कुछ पल बिताने का अवसर मिला और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में पूरे देश में खेल का रंग हर नौजवान को उत्साह उमंग के रंग से रंग देगा। हम सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों में विश्व का सबसे बड़ा खेलों का महाकुंभ होने जा रहा है। रियो हमारे कानों में बार बार गूंजने वाला है। सारी दुनिया खेलती होगी। दुनिया का हर देश अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बारीकी से नजर रखता होगा। आप भी रखेंगे। हमारी आशा अपेक्षाएं तो बहुत होती है, लेकिन रियो में जो खेलने के लिए गए हैं उन खिलाड़ियों को उनका हौसला बुलंद करने का काम भी 125 करोड़ देशवासियों का है। आज दिल्ली में भारत सरकार ने रन फॉर रियो, खेलो और जियो, खेलो और खिलो एक बड़ा अच्छा आयोजन किया। हम भी आने वाले दिनों में जहां भी हो हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए कुछ कुछ करें। यहां तक जो खिलाड़ी पहुंचता है बड़ी कड़ी मेहनत के बाद पहुंचता है, एक प्रकार की कठोर तपस्या करता है। खाने का कितना ही शौक क्यों न हो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ठंड में नींद लेने का इरादा हो तब भी बिस्तर छोड़कर के मैदान में भागना पड़ता है और न सिर्फ खिलाड़ी उनके माँ बाप भी उतने ही मनोयोग से अपने बालकों के पीछे शक्ति खपाते हैं। खिलाड़ी रातों रात नहीं बनते, एक बहुत बड़ी तपस्या के बाद बनते हैं। जीत और हार उतने महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ इस खेल तक पहुंचना वो भी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम सभी देशवासी रियो ओलंपिक के लिए गए हुए हमारे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दें। आपकी तरफ से ये काम मैं भी करने के लिए तैयार हूं। इन खिलाड़ियों को आपका संदेश पहुंचाने के लिए देश का प्रधानमंत्री पोस्टमैन बनने को तैयार है। आप मुझे नरेंद्र मोदी ऐप पर खिलाड़ियों के नाम शुभकामनाएं भेजिए, मैं आपकी शुभकामनाएं उन तक पहुंचाऊंगा। मैं भी 125 करोड़ देशवासियों की तरह एक देशवासी, एक नागरिक के नाते हमारे इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए आपके साथ रहूंगा। आइए हम सब आने वाले दिनों में एक एक खिलाड़ी को जितना गौरवान्वित कर सकते हैं उसके प्रयासों को पुरस्कृत कर सकते हैं, करें। और आज जब मैं रियो ओलंपिक की बात कर रहा हूं तो एक कविता प्रेमी पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सूरज प्रकाश उपाध्याय, उन्होंने कविता भेजी है। हो सकता है और भी बहुत कवि होंगे जिन्होंने कविताएं लिखी होगी, शायद कविता लिखेंगे भी, कुछ लोग तो उसको स्वरबद्ध भी करेंगे, हर भाषा में करेंगे, लेकिन मुझे सूरज जी ने जो कविता भेजी है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। शुरू हुई ललकार खेलों की, शुरू हुई ललकार खेलों की, प्रतियोगिताओं के बाहर की, खेलों के इस महाकुंभ में, रियो की रुमझुम में, खेलों के इस महाकुंभ में, रियो की रुमझुम में, भारत की ऐसी शुरुआत हो, भारत की ऐसी शुरुआत हो, सोने चांदी और कांसे की बरसात हो, भारत की ऐसी शुरुआत हो, सोने चांदी और कांसे की बरसात हो, अब हमारी भी बारी हो, ऐसी अपनी तैयारी हो, हो निशाना सोने पे, हो निशाना सोने पे, ना हो निराश तुम खोने पे, ना हो निराश तुम खोने पे, करोड़ों दिलों की शान हो अपने खेलों की जान हो, करोड़ों दिलों की शान हो अपने खेलों की जान हो, ऐसे कीर्तिमान बनाओ रियो में ध्वज लहराओ, रियो में ध्वज लहराओ। सूरज जी, आपके भावों को
मैं इन सभी खिलाड़ियों को अर्पित करता हूं और मेरी तरफ से 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से रियो में हिंदुस्तान का झंडा फहराने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक नौजवान को श्रीमान अंकित करके हैं, उन्होंने मुझे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि का स्मरण करवाया है। गत सप्ताह अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि पर देश और दुनिया ने श्रद्धांजलि दी, लेकिन जब भी अब्दुल कलाम जी का नाम आता है तो साइंस, टेक्नोलॉजी, मिसाइल, एक भावी भारत के सामर्थ्य का चित्र हमारी आंखों के सामने अंकित हो जाता है। और इसलिए अंकित ने भी लिखा है कि आपकी सरकार अब्दुल कलाम जी के सपनों को साकार करने के लिए क्या कर रही है। आपकी बात सही है, आने वाला युग टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा चंचल है। आए दिन टेक्नोलॉजी बदलती है, आए दिन नया रूप धारण करती है, आए दिन नया प्रभाव पैदा करती है, वो बदलती रहती है। आप टेक्नोलॉजी को पकड़ नहीं सकते, आप पकड़ने जाओगे तब तक तो कहीं दूर नए रूप रंग के साथ सज जाती है। और उसको अगर हमने कदम मिलाने हैं और उससे आगे निकलना है तो हमारे लिए भी रिसर्च और इनोवेशन, ये टेक्नोलॉजी के प्राण है। अगर रिसर्च और इनोवेशन नहीं होंगे तो जैसे ठहरा हुआ पानी गंदगी फैलाता है, टेक्नोलॉजी भी बोझ बन जाती है। और अगर हम रिसर्च और इनोवेशन के बिना पुरानी टेक्नोलॉजी के भरोसे जीते रहेंगे तो हम दुनिया में बदलते हुए युग में काल बाह्य हो जाएंगे। और इसलिए नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। और इसलिए तो मैं कहता हूं लेट अस एम टू इनोवेट। और जब मैं लेट अस एम टू इनोवेट कहता हूं तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले और उससे नए रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ने वाली हैं। हमने नेक्स्ट जनरेशन इनोवेटर्स अगर तैयार करने हैं तो हमारे बालकों को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। और इसलिए भारत सरकार ने एक अटल टिंकरिंग लैब्स का इनिशिएटिव लिया है। जहां जहां भी स्कूलों में ऐसी टिंकरिंग लैब एस्टैब्लिश होगी उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और 5 वर्ष दौरान रखरखाव के लिए भी 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसी प्रकार से इनोवेशन के साथ सीधा सीधा संबंध आता है इंक्यूबेशन सेंटर का। हमारे पास सशक्त और समृद्ध अगर इंक्यूबेशन सेंटर है तो इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, प्रयोग करने के लिए, उसको एक स्थिति पर लाने तक के लिए एक व्यवस्था मिलती है। नए इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण भी आवश्यक है और पुराने इंक्यूबेशन सेंटर को ताकत देने की भी आवश्यकता है। और जो मैं अटल इंक्यूबेशन सेंटर की बात करता हूं उसके लिए भी 10 करोड़ रुपए जैसी बहुत बड़ी रकम देने की दिशा में सरकार ने सोचा है। उसी प्रकार से भारत अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें समस्या नजर आती है, अब हमें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। हमने एक अटल ग्रैंड चैलेंजेस देश की युवा पीढ़ी को आह्वान किया है कि आपको समस्या नजर आती है, समाधान के लिए टेक्नोलॉजी के रास्ते खोजिए, रिसर्च कीजिए, इनोवेशन कीजिए और ले आइए। भारत सरकार हमारी समस्याओं के समाधान के लिए खोजी गई टेक्नोलॉजी को विशेष पुरस्कार देकर के बढ़ावा देना चाहती है। और मुझे खुशी है कि इन बातों में लोगों की रुचि है। ये जब हमने टिंकरिंग लैब की बात कही, करीब 13,000 से अधिक स्कूलों ने आवेदन किया। और जब हमने इंक्यूबेशन सेंटर की बात की, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक 4,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस इंक्यूबेशन सेंटर के लिए आगे आई। मुझे विश्वास है कि अब्दुल कलाम जी को सच्ची श्रद्धांजलि, रिसर्च, इनोवेशन, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं के समाधान के लिए टेक्नोलॉजी, हमारी कठिनाइयों से मुक्ति के लिए सरलीकरण,
उस पर हमारी नई पीढ़ी जितना काम करेगी उनका योगदान 21वीं सदी के आधुनिक भारत के लिए अहम होगा और वही अब्दुल कलाम जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ समय पहले हम लोग अकाल की चिंता कर रहे थे और इन दिनों वर्षा का आनंद भी आ रहा है तो बाढ़ की खबरें भी आ रही हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के भरपूर प्रयास कर रही हैं। वर्षा के कारण कुछ कठिनाइयां होने के बावजूद भी हर मन, हर मानवीय मन पुलकित हो जाता है, क्योंकि हमारी पूरी आर्थिक गतिविधि के केंद्र बिंदु में वर्षा होती है, खेती होती है। कभी कभी ऐसी बीमारी आ जाती है कि हमें जीवन भर पछतावा रहता है। लेकिन अगर हम जागरूक रहे, सतर्क रहे, प्रयत्नरत रहे तो इसे बचने के रास्ते भी बड़े आसान है। डेंगू ही ले लीजिए, डेंगू से बचा जा सकता है। थोड़ा स्वच्छता पे ध्यान रहे, थोड़े सतर्क रहें और सुरक्षित रहने का प्रयास करें, बच्चों पर विशेष ध्यान दें। और ये जो सोच है ना, गरीब बस्ती में ही ऐसी बीमारी आती है, डेंगू का केस ऐसा नहीं है। डेंगू सुखी समृद्ध इलाके में सबसे पहले आता है और इसलिए इसे हम समझें। आप टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखते ही होंगे, लेकिन कभी कभी हम उस पर जागरूक एक्शन के संबंध में थोड़े उदासीन रहते हैं। सरकार, अस्पतालें, डॉक्टर वो तो अपना काम करेंगे ही, लेकिन हम भी अपने घर में, अपने इलाके में, अपने परिवार में डेंगू न प्रवेश करें और पानी के कारण होने वाली कोई बीमारी न आए, इसके लिए सतर्क रहें। यही मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। एक और मुसीबत की ओर मैं, प्यारे देशवासियों, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जिंदगी इतनी आपाधापी वाली बन गई है, इतनी दौड़ धूप वाली बन गई है कि कभी कभी हमें अपने लिए सोचने का समय नहीं होता है। बीमार हो गए तो मन करता है जल्दी से ठीक हो जाऊं, और इसलिए कोई भी एंटीबायोटिक लेकर के डाल देते हैं शरीर में। तत्काल तो बीमारी से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, ये रास्ते चलते फिरते एंटीबायोटिक लेने की आदतें बहुत गंभीर संकट पैदा कर सकती है। हो सकता है आपको तो कुछ पल के लिए राहत मिल जाए, लेकिन डॉक्टरों की सलाह के बिना हम एंटीबायोटिक लेना बंद करें। डॉक्टर जब तक लिख करके नहीं देते हैं, हम उससे बचें। हम ये शॉर्टकट के माध्यम से न चलें, क्योंकि इससे एक नई कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। क्योंकि अनाप शनाप एंटीबायोटिक उपयोग करने के कारण पेशेंट को तो तत्कालीन लाभ हो जाता है, लेकिन इसके जो जीवाणु है वे इन दवाइयों के आदि बन जाते हैं और फिर दवाइयां इन जीवाणुओं के लिए बेकार साबित हो जाती हैं। और फिर इस लड़ाई को लड़ना, नई दवाइयां बनाना, वैज्ञानिक शोध करना, सालों बीत जाते हैं और तब तक ये बीमारियां नई मुसीबतें पैदा कर देती हैं, और इसलिए इस पर जागरूक रहने की जरूरत है। एक और मुसीबत आई है कि डॉक्टर ने कहा होगा कि भाई ये एंटीबायोटिक लीजिए और उसने कहा कि 15 गोली लेनी है, 5 दिन है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि डॉक्टर ने जितने दिन लेने के लिए कहा है कोर्स पूरा कीजिए। आधा अधूरा छोड़ दिया तो भी वो जीवाणु के फायदे में जाएगा, आवश्यकता से अधिक ले लिया तो भी जीवाणु के फायदे में जाएगा। और इसलिए जितने दिन का, जितनी गोली का कोर्स तय हुआ हो उसको पूरा करना भी उतना ही जरूरी है। तबीयत ठीक हो गई इसलिए अब जरूरत नहीं है, ये अगर हमने किया तो वो जीवाणु के फायदे में चला जाता है और जीवाणु ताकतवर बन जाता है। जो जीवाणु टीबी और मलेरिया फैलाते हैं वो तेज गति से अपने अंदर ऐसे बदलाव ला रहे हैं कि दवाइयों का कोई असर ही नहीं होता है। मेडिकल भाषा में इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसलिए एंटीबायोटिक का कैसे उपयोग हो इसके नियमों का पालन भी उतना ही जरूरी है। सरकार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, और आपने देखा होगा इन दिनों एंटीबायोटिक की जो दवाइयां बिकती हैं उसका जो पत्ता रहता है उसके ऊपर एक लाल लकीर से
आपको सचेत किया जाता है, आप उस पर जरूर ध्यान दीजिए। जब हेल्थ की ही बात निकली है तो मैं एक बात और भी जोड़ना चाहता हूँ। हमारे देश में गर्भावस्था में जो माताएं हैं उनकी जीवन की चिंता कभी कभी बहुत सताती है। हमारे देश में हर वर्ष लगभग 3 करोड़ महिलाएं गर्भावस्था धारण करती हैं, लेकिन कुछ माताएं प्रसूति के समय मरती हैं, कभी माँ मरती हैं, कभी बालक मरता है, कभी बालक और माँ दोनों मरते हैं। ये ठीक है कि पिछले एक दशक में माता की असमय मृत्यु के दर में कमी तो आई है, लेकिन फिर भी आज भी बहुत बड़ी मात्रा में गर्भवती माताओं का जीवन नहीं बचा पाते हैं। गर्भावस्था के दौरान या बाद में खून की कमी, प्रसव संबंधी संक्रमण, हाई बीपी, न जाने कौन सी तकलीफ कब उसकी जिंदगी को तबाह कर दे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पिछले कुछ महीनों से एक नया अभियान शुरू किया है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इस अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं की सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में निशुल्क जांच की जाएगी। एक भी पैसे के खर्च के बिना सरकारी अस्पतालों में हर महीने की 9 तारीख को काम किया जाएगा। मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं 9 तारीख को इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके, माँ और बालक दोनों की जिंदगी बचाई जा सके। और मैंने तो गायनेकोलॉजिस्ट को खास कि क्या आप महीने में एक दिन 9 तारीख को गरीब माताओं के लिए मुफ्त में ये सेवा नहीं दे सकते हैं? क्या मेरे डॉक्टर भाई बहन एक साल में 12 दिन गरीबों के लिए इस काम के लिए नहीं लगा सकते हैं? पिछले दिनों मुझे कईयों ने चिट्ठियां लिखी है, हजारों ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरी बात को मान करके आगे बढ़ाया है, लेकिन भारत इतना बड़ा देश है, लाखों डॉक्टरों ने इस अभियान में जुड़ना चाहिए। मुझे विश्वास है आप जरूर जुड़ेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पूरा विश्व क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण, इसकी बड़ी चिंता करता है। देश और दुनिया में सामूहिक रूप से उसकी चर्चा होती है। भारत में सदियों से इन बातों पर बल दिया गया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भी भगवान कृष्ण वृक्ष की चर्चा करते हैं। युद्ध के मैदान में चर्चा चिंता करना मतलब कि इसका महात्म्य कितना होगा हम अंदाज कर सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, अर्थात सभी वृक्षों में मैं पीपल हूं। शुक्राचार्य नीति में कहा गया है, नास्ति मूलम अनौषधम, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें कोई औषधीय गुण न हो। महाभारत का अनुशासन पर्व, उसने तो बड़ी विस्तार से चर्चा की, और महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है जो वृक्ष लगाता है उसके लिए ये वृक्ष संतान रूप होता है, इसमें संशय नहीं है। जो वृक्ष का दान करता है उसको वे वृक्ष संतान की भांति परलोक में भी तार देते हैं। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले माता पिता अच्छे वृक्ष लगाएं और उनका संतानों के समान पालन करें। हमारे शास्त्र गीता हो, शुक्राचार्य नीति हो, महाभारत का अनुशासन पर्व हो, लेकिन आज की पीढ़ी में भी कुछ लोग होते हैं जो इन आदर्शों को जी करके दिखाते हैं। कुछ दिन पहले मैंने पुणे की एक बेटी सोनल का एक उदाहरण मेरे ध्यान में आया, वो मेरे मन को छू गया। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा है ना कि वृक्ष परलोक में भी संतान की जिम्मेवारी पूरी करता है। सोनल ने सिर्फ अपने माता पिता की नहीं, समाज की इच्छाओं को पूर्ण करने का जैसे बिड़ा उठाया है। महाराष्ट्र में पुणे के
जुन्नर तालुका में नारायणपुर गांव के किसान खंडू मारुति महत्रे, उन्होंने अपनी पोती सोनल की शादी एक बड़े प्रेरक ढंग से की। महत्रे जी ने क्या किया, सोनल की शादी में जितने भी रिश्तेदार दोस्त मेहमान आए थे उन सबको केसर आम का एक पौधा भेंट किया, उपहार के रूप में दिया। और जब मैंने सोशल मीडिया में उसकी तस्वीर देखी तो मैं हैरान था कि शादी में बाराती नहीं दिख रहे थे, पौधे ही पौधे नजर आ रहे थे। मन को छूने वाला ऐसा दृश्य उस तस्वीर में था। सोनल जो स्वयं एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, ये आइडिया उसी को आया। और शादी में आम के पौधे भेंट देना, देखिए प्रकृति का प्रेम कितना उत्तम तरीके से प्रकट हुआ। एक प्रकार से सोनल की शादी प्रकृति प्रेम की अमर गाथा बन गई। मैं सोनल को और श्रीमान महत्रे जी को इस अभिनव प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे प्रयोग बहुत लोग करते हैं। मुझे स्मरण है, मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो वहां अंबाजी के मंदिर में भाद्र महीने में बहुत बड़ी मात्रा में पदयात्री आते हैं। तो एक बार एक समाजसेवी संगठन ने तय किया कि मंदिर में जो आएंगे उनको प्रसाद में पौधा देंगे और उनको कहेंगे कि देखिए ये माता जी का प्रसाद है, इस पौधे को अपने गांव घर जा करके ये बड़ा बने, माता आपको आशीर्वाद देती रहेगी, इसकी चिंता कीजिए। और लाखों पदयात्री आते हैं, उन्होंने लाखों पौधे बांटे थे उस वर्ष। मंदिर भी इस वर्षा ऋतु में प्रसाद के बदले में पौधे देने की परंपरा प्रारंभ कर सकते हैं। एक सहज जन आंदोलन बन सकता है वृक्षारोपण का। मैं किसान भाइयों को तो बार बार कहता हूं कि हमारे खेतों के किनारे पर जो हम बाड़ लगा करके हमारी जमीन बर्बाद करते हैं, क्यों न हम उस बाड़ की जगह पर टिम्बर की खेती करें। आज भारत को घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए अरबों खरबों का टिम्बर विदेशों से लाना पड़ता है। अगर हम हमारे खेत के किनारे पर ऐसे वृक्ष लगा दें जो फर्नीचर और घर काम में आए, तो 15-20 साल के बाद सरकार की परमिशन से उसको काट करके बेच भी सकते हैं आप, और वो आपके आय का एक नया साधन भी बन सकता है और भारत को टिम्बर इम्पोर्ट करने से बच भी सकते हैं। पिछले दिनों कई राज्यों ने इस मौसम का उपयोग करते हुए काफी अभियान चलाए हैं। भारत सरकार ने भी एक कैंपा कानून अभी भी पारित किया, इसके कारण वृक्षारोपण के लिए करीब 40,000 करोड़ से भी ज्यादा राज्यों के पास जाने वाले हैं। मुझे बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार ने 1 जुलाई को पूरे राज्य में करीब 2.25 करोड़ पौधे लगाए और अगले साल उन्होंने 3 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प किया है। सरकार ने एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया। राजस्थान मरुभूमि इतना बड़ा वन महोत्सव किया और 25 लाख पौधे लगाने का संकल्प किया है। राजस्थान में 25 लाख पौधे छोटी बात नहीं है, जो राजस्थान की धरती को जानते उनको मालूम है कि कितना बड़ा बीड़ा उठाया है। आंध्र प्रदेश ने भी 2029 तक अपना ग्रीन कवर 50% बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार जो ग्रीन इंडिया मिशन चल रहा है, इसके तहत रेलवे ने इस काम को उठाया है। गुजरात में भी वन महोत्सव की एक बहुत बड़ी उज्ज्वल परंपरा है। इस वर्ष गुजरात ने आम रवन, एकता वन, शहीद वन, ऐसे अनेक प्रकल्पों को वन महोत्सव के रूप में उठाया है और करोड़ों वृक्ष लगाने का अभियान चलाया है। मैं सभी राज्यों का उल्लेख नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन बधाई के पात्र हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों मुझे साउथ अफ्रीका जाने का अवसर मिला। ये मेरी पहली यात्रा थी और जब विदेश यात्रा है तो डिप्लोमेसी होती हैं, ट्रेड की बातें होती हैं, सुरक्षा के संबंध में चर्चाएं होती है, कई एमओयूज होते हैं, ये तो सब होना ही है। लेकिन मेरे लिए साउथ अफ्रीका की यात्रा एक प्रकार से तीर्थ यात्रा थी। जब साउथ अफ्रीका को याद करते हैं तो महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की याद आना बहुत स्वाभाविक है। दुनिया में अहिंसा, प्रेम, क्षमा, ये शब्द जब कान पे पड़ते हैं तो गांधी और मंडेला, इनके चेहरे हमारे सामने दिखाई दे। मेरी साउथ अफ्रीका की टूर के दरमियान मैं फिनिक्स सेटलमेंट गया था। महात्मा गांधी का निवास स्थान सर्वोदय के रूप में जाना जाता है। मुझे महात्मा गांधी ने जिस ट्रेन में सफर की थी
और जिस ट्रेन की घटना ने एक मोहनदास को महात्मा गांधी बनाने का बीजारोपण किया था, वो पीटर मैरिसबर्ग स्टेशन, उस रेल यात्रा का भी मुझे सद्भाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन मैं जो बात बताना चाहता हूं, मुझे इस बार ऐसे महानुभावों से मिलने का अवसर मिला जिन्होंने समानता के लिए, समान अवसर के लिए अपनी जवानी समाज के लिए खपा दी थी। नेल्सन मंडेला के साथ कंधे से कंधे मिलाकर को लड़ाई लड़े थे, 20-20 22-22 साल तक जेलों में नेल्सन मंडेला के साथ जिंदगी गुजारी थी, एक प्रकार से पूरी जवानी उन्होंने आहुत कर दी थी। और नेल्सन मंडेला के करीब साथी श्रीमान अहमद कथराड़ा, श्रीमान लालू चीबा, जॉर्ज बेजोस, रॉनी कासरिल्स, इन महानुभावों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। मूल भारतीय लेकिन जहां गए वहां के हो गए, जिनके बीच जीते थे उनके लिए जान लगाने के लिए तैयार हो गए, कितनी बड़ी ताकत। और मजा ये था, जब मैं उनसे बातें कर रहा था, उनके जेल के अनुभव सुन रहा था, किसी के प्रति कोई कटुता नहीं थी, द्वेष नहीं था। उनके चेहरे पर इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद भी लेना पाना बनना कहीं पर भी नजर नहीं आता था, एक प्रकार का अपना कर्तव्य भाव, गीता में जो कर्तव्य का लक्षण बताया ना, वो बिल्कुल साक्षात रूप दिखाई देता था। मेरे मन को वो मुलाकात हमेशा हमेशा याद रहेगी। समानता और समान अवसर किसी भी समाज और सरकार के लिए इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं हो सकता। समभाव और मम भाव, यही तो रास्ते हैं जो हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाए। हम सब बेहतर जिंदगी चाहते हैं, बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं। हर किसी की जरूरतें भिन्न भिन्न होगी, प्रायोरिटी भिन्न भिन्न होगी, लेकिन रास्ता एक ही है और वह रास्ता है विकास का, समानता का, समान अवसर का, समभाव का, मम भाव का। आइए हमारे इन भारतीयों पर गर्व करें जिन्होंने साउथ अफ्रीका में भी हमारे जीवन के मूल मंत्रों को जी करके दिखाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं शिल्पी वर्मा का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे संदेश दिया है, और उनकी चिंता बहुत स्वाभाविक है। उन्होंने मुझे एक घटना से अवगत कराया है। प्रधानमंत्री जी, मैं शिल्पी वर्मा बोल रही हूँ बैंगलोर से। मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज में आर्टिकल पढ़ा था कि एक महिला ने फ्रॉड और चीट ईमेल के धोखे में आके 11 लाख रुपए गवाए और उन्होंने खुदकुशी कर ली। एक महिला होने के नाते मुझे उसके परिवार से काफ़ी अफसोस है। मैं जानना चाहूंगी कि ऐसे चीट और फ्रॉड ईमेल के बारे में आपका क्या विचार है। और ये बातें आप सबके ध्यान में भी आती होगी कि हमारे मोबाइल फोन पर, हमारे ईमेल पर बड़ी लुभावनी बातें कभी कभी हमें जानने को मिलती है। कोई मैसेज देता है कि आपको इतने रुपये का इनाम लगा है, आप इतने रुपये दे दीजिए और इतने पैसे ले लीजिए, और कुछ लोग भ्रमित होकर के रुपयों के मुँह में फंस जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से लूटने के एक नए तरीके विश्व भर में फैल रहे हैं, और जैसे टेक्नोलॉजी आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा रोल कर रही है, तो उसके दुरुपयोग करने वाले भी मैदान में आ जाते हैं। एक रिटायर्ड शख्स जिन्हें अभी अपनी बेटी की शादी करनी थी और घर भी बनवाना था, एक दिन उनको एक SMS आया कि विदेश से उनके लिए एक कीमती उपहार आया है, जिसे पाने के लिए उनको कस्टम ड्यूटी के तौर पर 2 लाख रुपए एक बैंक के खाते में जमा करने हैं। और ये सज्जन बिना कुछ सोचे समझे अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई से में से 2 लाख रुपए निकाल करके अनजान आदमी को भेज दिए, और वो भी एक SMS पर। और कुछ ही पल में उनको समझ आया कि सब कुछ लूट चुका है। आप भी कभी कभी भ्रमित हो जाते होंगे, और वो इतना बढ़िया ढंग से आपको चिट्ठी लिखते हैं जैसे लगता है सही चिट्ठी है, कोई भी फर्जी लेटर पैड बना करके भेज देते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर पा लेते हैं, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपका खाता खाली हो जाता है। ये नए तरीके की धोखाधड़ी है, डिजिटल धोखाधड़ी है। मैं समझता हूँ कि इस मोह से बचना चाहिए,
सजग रहना चाहिए। और ऐसी कोई झूठी बातें आती है तो अपने यार दोस्तों को शेयर करके उनको थोड़ा जागरूक करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि शिल्पी वर्मा ने अच्छी बात मेरे ध्यान में लाई है। वैसे अनुभव तो आप सब करते होंगे लेकिन शायद उतना गंभीरता से नहीं देखते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि देखने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है तो संसद के सत्र के दरमियान मुझे देश के बहुत सारे लोगों से मिलने का अवसर भी मिलता है। हमारे सांसद महोदय भी अपने अपने इलाके से लोगों को लाते हैं, मिलवाते हैं, बातें बताते हैं, अपनी कठिनाइयां भी बताएं। लेकिन इन दिनों मुझे एक सुखद अनुभव हुआ। अलीगढ़ के कुछ छात्र मेरे पास आए थे, लड़के लड़कियों का बड़ा उत्साह देखने को था और बहुत बड़ा एल्बम लेके आए थे और उनके चेहरे पर इतनी खुशी थी। और वहाँ के हमारे अलीगढ़ के सांसद उनको लेकर के आए थे, उन्होंने मुझे तस्वीरें दिखाई। उन्होंने अलीगढ़ रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण किया है, स्टेशन पर कलात्मक पेंटिंग किए हैं। इतना ही नहीं, गांव में जो प्लास्टिक की बोतलें या ऑयल के कैन ऐसे ही कूड़े कचरे में पड़े हुए, उसको उन्होंने खोज खोज करके इकट्ठा किया और उसमें मिट्टी भर करके पौधे लगा करके उन्होंने वर्टिकल गार्डन बनाए और रेलवे स्टेशन की तरफ प्लास्टिक बोतलों में ये वर्टिकल गार्डन बना करके बिल्कुल उसको एक प्रकार से नया रूप दे दिया। आप भी कभी अलीगढ़ जाएंगे तो जरूर स्टेशन को देखिए। हिंदुस्तान के कई रेलवे स्टेशनों से आजकल मुझे ये खबरें आ रही हैं, स्थानीय लोग रेलवे स्टेशन की दीवारों पर अपने इलाके की पहचान अपनी कला के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। एक नयापन महसूस हो रहा है। जन भागीदारी से कैसा बदलाव लाया जा सकता है, इसका एक उदाहरण है। देश में इस प्रकार से काम करने वाले सबको बधाई, अलीगढ़ के मेरे साथियों को विशेष बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, वर्षा की ऋतु के साथ साथ हमारे देश में त्योहारों की भी ऋतु रहती है। आने वाले दिनों में सब दूर मेले लगे होंगे, मंदिरों में पूजा घरों में उत्सव मनाए जाते होंगे और आप भी घर में भी बाहर भी उत्सव में जुड़ जाते होंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार हमारी एक विशेष महत्व का त्यौहार है। पिछले साल की भांति इस साल भी रक्षाबंधन के अवसर पर अपने देश की माताओं बहनों को क्या आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या जीवन ज्योति बीमा योजना भेंट नहीं कर सकते? सोचिए, बहन को ऐसी भेंट दें जो उनमें सचमुच में सुरक्षा दें। इतना ही नहीं, हमारे घर में खाना बनाने वाली महिला होगी, हमारे घर में साफ सफाई करने वाली कोई महिला होगी, गरीब माँ की बेटी होगी, ये रक्षाबंधन के त्यौहार पर उनको भी तो सुरक्षा बीमा योजना या जीवन ज्योति बीमा योजना भेंट दे सकते हैं आप। और यही तो सामाजिक सुरक्षा है, यही तो रक्षाबंधन का सही अर्थ है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम में से बहुत लोग हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है और मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री हूँ जो आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ। 8 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रारंभ हुआ था। हिंद छोड़ो भारत छोड़ो, इसे 75 साल हो रहे हैं और 15 अगस्त को आज़ादी के 70 साल हो रहे हैं। हम आज़ादी का आनंद तो ले रहे हैं, स्वतंत्र नागरिक होने का गर्व भी अनुभव कर रहे हैं, लेकिन इस आज़ादी दिलाने वाले उन दीवानों को याद करने का ये अवसर है। हिंद छोड़ो के 75 साल और भारत की आज़ादी के 70 साल हमारे लिए नई प्रेरणा दे सकते हैं, नया उमंग जगा सकते हैं, देश के लिए कुछ करने के लिए संकल्प का अवसर बन सकते हैं। पूरा देश आज़ादी के दीवानों के रंग से रंग जाए, चारों तरफ आज़ादी की खुशबू को फिर से एक बार महसूस करें, ये माहौल हम सब बनाएं। और आज़ादी का पर्व ये सरकारी कार्यक्रम नहीं, ये देशवासियों का होना चाहिए। दिवाली की तरह हमारा अपना उत्सव होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप भी देशभक्ति की प्रेरणा से जुड़ा कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, उसकी तस्वीर नरेंद्र मोदी ऐप पर जरूर भेजिए, देश में एक माहौल बनाइए। प्यारे देशवासियों, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से मुझे देश के साथ बात करने का एक सौभाग्य मिलता है, एक परंपरा है। आपके मन में भी कुछ बातें होगी जो आप चाहते होंगे कि आपकी बात भी लाल किले से उतनी ही प्रखरता से रखी जाए। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आपके मन में जो विचार आते हो, जिसको लगता है कि आपके प्रतिनिधि के रूप में, आपके प्रधान सेवक के रूप में मुझे लाल किले से बात बतानी चाहिए, हम मुझे जरूर लिख करके भेजिए, सुझाव दीजिए, सलाह दीजिए,
नया विचार दीजिए, मैं आपकी बात देशवासियों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि लाल किले की प्राचीर से जो बोला जाए वो प्रधानमंत्री की बात हो, लाल किले की प्राचीर से जो बोला जाए वो 125 करोड़ देशवासियों की बात हो। आप जरूर मुझसे कुछ न कुछ भेजिए, नरेंद्र मोदी ऐप पर भेज सकते हैं, mygov.in पर भेज सकते हैं, और आजकल तो टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म इतने आसान है कि आप आराम से चीजें मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आइए आजादी के दीवानों का पुण्य स्मरण करें, भारत के लिए जिंदगी खपाने वाले महापुरुषों को याद करें और देश के लिए कुछ करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।